बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने रिव्यू किया है वो उन इन्वेस्टर्स का जो कि हल्का काम करते हैं, लेकिन आज मैं उन इन्वेस्टर का रिव्यू करने वाला हूं जो कि ट्रिपल ए प्लस क्वालिटी का काम करवाते हैं और रेट अच्छा, काम अच्छा। ठीक है जी, कहते हैं महंगा रोए एक बार। ये बहुत ज़बरदस्त मकान बना है ट्रिपल ए प्लस क्वालिटी के मटीरियल से, 5 मरले का ये मकान है, ब्रैंड न्यू, अभी ये मुकम्मल हुआ है। रॉयल गार्डन इसकी लोकेशन है न्यू असलम टाउन के बिल्कुल साथ, क्योंकि ज़्यादा मशहूर न्यू असलम टाउन है, रॉयल गार्डन क्योंकि अब रिसेंटली तैयार हुआ है इसलिए ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, नज़द असलम टाउन। तो आपको अभी इसी मकान का रिव्यू करवाते हैं। ये मकान फॉर सेल भी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, आपको इसकी डिमांड भी बताएँगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन से। फ्रंट एलिवेशन बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बनाया, काफ़ी मेहनत की गई है और काफ़ी ख़र्चा किया गया है इसके फ्रंट एलिवेशन पर भी। बाहर क्यारी दी गई है, ये ग्रीन बेल्ट दिया गया छोटा सा, साथ में वाल बहुत प्यारी तैयार की गई है। ये इसकी रैंप टायर लगाई गई है बहुत ही खूबसूरती से। अब इसके गराज के अंदर हम इंटर होते हैं। सबसे पहले ये इसका गराज है, इसके अंदर बड़ी से बड़ी गाड़ी आराम से आ सकती है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया, साथ में वाल के साथ इंस्टॉल करके इसका कॉम्बिनेशन किया गया, वाल प्लस सीलिंग का। ये सामने मेन एंट्रेंस है और टीवी लाउंज की तरफ इस साइड पे ड्राइंग रूम है, इस साइड पे ये सीढ़ी ऊपर गई है, सीढ़ी पर ग्रेनाइट स्लैब्स लगी हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। टोटल मटेरियल ए प्लस है। ये वॉशरूम दिया गया, यानी कि मिसाल के तौर पर अब गार्ड वगैरह या कोई मेहमान आया गया ये वो, इसके लिए आप ये वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। साफ़ सुथरा टाइल छत तक लगी हुई है, ऊपर सीढ़ियों का आप देख सकते हैं। इस हिसाब से कोऑर्डिनेशन की गई है कि बिल्कुल भी कोई भी जगह ज़ाया नहीं की गई और टोटल जगह इस्तेमाल की गई है अच्छे तरीके से। अभी हम पहले ड्राइंग रूम से अंदर इंटर होते हैं। इसका टाइल वर्क देखें बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह साफ़ सुथरा हुआ है, वाल पेपर वर्क हुआ है इसके सामने। ऊपर इसका सीलिंग डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसके जो है डोर डिज़ाइन देखें, बहुत ही अच्छे किस्म के प्योर लकड़ी के दरवाज़े लगाए गए हैं, सही है। ये देखें वॉल तैयार की गई है, एलसीडी वॉल ड्राइंग रूम के अंदर। अब हम एक बार फिर बाहर निकल के आपको इसके टीवी लॉन्च के अंदर जो है इंटर होते हैं। हम जो सामने स्टेप बनाए गए हैं ग्रेनाइट स्लैब लगा कर, ये सबसे पहले हम इसका टाइल वर्क आपको दिखाते हैं, उसके बाद ये एलसीडी वॉल बहुत खूबसूरत बनाई गई है, वॉलपेपर बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाया गया, सीलिंग डिज़ाइन प्लस वुड वर्क करके, ये कलर नहीं हुआ जो आप देख रहे हैं, ये कलर नहीं है, ये बकायदा प्लाईवुड के टुकड़े लगाए गए हैं सीलिंग के अंदर। इसकी टाइल चेक कर लें जी, टाइल वर्क बहुत खूबसूरत हुआ है। डोर वर्क फिर अगेन मैं आपको बता दूं, डोर वर्क बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल मज़बूत और भारे दरवाजे हैं, ये प्लाईवुड वाले दरवाज़ों से बिल्कुल अलग हैं। ऐन मुमकिन है कि ये प्लाईवुड ही हो, लेकिन बहुत भारे और मज़बूत दरवाजे हैं। अब किचन के अंदर हम इंटर होते हैं जी। ये है ग्राउंड फ्लोर का किचन, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त टाइल लगाई गई है, कॉम्बिनेशन किया गया येलो टाइल का एवरी टाइल के साथ। ये इसका दरवाज़ा आप देख सकते हैं, फ्रंट का डिज़ाइन, ये बैक का डिज़ाइन भी सेम ही है, ठीक है जी। इसके अंदर आपको कैबिनेट्स की क्वालिटी चेक करवा देते हैं। हाइड्रोलिक्स हर किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं ऑटो है, एवरी थिंग इज़ हाइड्रोलिक। चिमनी बहुत अच्छी इस्तेमाल की गई है और ये चूल्हा भी बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया, कोई भी चीज़ यानी कि जुगाड़ू नहीं है, एवरीथिंग इज़ हाइड्रोलिक। ये देखें आप छोड़ दें अपने आप बंद हो जाएगा। सैनिटरी का सामान बहुत क्वालिटी यूज़ किया गया है, किसी जगह पे मेरे हिसाब से कोई कुताही नहीं छोड़ेगी। अब बेडरूम, दो बेडरूम है इसके अंदर, दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच वाशरूम है। ये वेंटिलेशन डक्ट है जो कि आप देख सकते हैं, बैक साइड पर बेडरूम्स के भी दिया गया वेंटिलेशन डक्ट, और इस जगह पर टीवी लाउंज को अलहदा से वेंटिलेशन डक्ट दिया गया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ग्रास वॉल विद सैंड स्टोन के साथ इसका कॉम्बिनेशन किया, ठीक है। हम बेडरूम में इंटर होते हैं, फर्स्ट बेडरूम में डबल बेड का जो है बेडरूम है, इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख लें बहुत ही अच्छे तरीके का हुआ है। अब मैं आपको विजिट करवाता हूँ इसका वॉशरूम, इसका टाइल वर्क देख लें, अलमारियाँ इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी,
इसका वॉशरूम मैं आपको दिखाता हूँ। ये वॉशरूम का इंटीरियर डिज़ाइन है, बड़े साइज़ की टाइल लगाएगी है, बहुत ही अच्छी इंस्टॉलेशन के साथ। शॉवर सेट्स देख लें, एवरीथिंग इज हाई क्वालिटी। ठीक है, वॉशरूम आपने देख लिया, वैनिटीज इंस्टॉल्ड मिलेंगी आपको। अब सेकंड बेडरूम में हम इंटर होते हैं। ये है सेकंड बेडरूम, इसका सीलिंग फॉल सीलिंग डिज़ाइन देख लें, अलमारी इसके अंदर भी इंस्टॉल्ड है। ये इसका अटैच वॉशरूम है, ये इसका वैनिटी डिज़ाइन है, साथ में ये शीशा लगा हुआ है और टाइल का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन किया गया। इसके अंदर कमोड लगा हुआ है, साथ में शावर आप देख सकते हैं। अब आपको मैं विज़िट करवाता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर का, सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर जाएंगे, आपको फर्स्ट फ्लोर इसका चेक करवा देते हैं। अभी ये ग्रेनाइट स्लैब्स की सीढ़ियाँ और अच्छी गेज के अंदर स्टील ग्रिल का काम हुआ है। अभी हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर का जो है वो रिव्यू करवाते हैं। ये बाहर जो है टेरेस छोड़ा गया, ठीक है जी। ये फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन का हिस्सा है, ठीक है। ये फॉल सीलिंग डिज़ाइन आप देख लें। अभी हम इंटर होते हैं इसके टीवी लाउंज में। ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है और इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है। इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन देख लें, इसके अंदर भी बिल्कुल प्लाईवुड के टुकड़े यूज़ करके तो सेटिंग की गई है, कहीं पे भी आयल पेंट या ये वो नहीं किया गया, ओरिजिनल वुड यूज़ की गई है, ठीक है जी। अच्छा, इसकी एलसीडी वॉल देख लें और साथ में दरवाज़ों का डिज़ाइन देख लें, सेम है नीचे की तरह। अलमारी इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल्ड है, ये बाहर के व्यू के लिए विंडो दी गई है, साथ ये इसका अटैच वाशरूम। वैनिटी बहुत खूबसूरत लगाई गई है इसके साथ, ये इसका टाइल का इंटीरियर डिज़ाइन है, ठीक है। अभी हम इंटर होते हैं इसके टीवी लाउंज के अंदर। ये हम आ गए हैं जी टीवी लाउंज के अंदर। ये टीवी लाउंज का वॉलपेपर आप देखें, अलावा इसके इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन देखें, उसके अलावा किचन इधर जो दिया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम साफ़ सुथरा काम हुआ है नीचे की तरह बिल्कुल, और हाइड्रोलिक हर चीज़ लगी हुई है इसके अंदर भी, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ माशाल्लाह। अच्छा, अब इधर से हम बाहर निकल जाते हैं सहन की तरफ। ये ऊपर सहन दिया गया है, टोटल टाइलिंग की गई है, कहीं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया काम के मामले में। ये ऊपर के लिए सीढ़ी दी गई है, इधर भी इन्होंने वॉशरूम दिया है अलहदा से, ऊपर टैंकी बड़ा टैंक बना हुआ है। ये खुरा दिया गया है जहाँ पर आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं। ये वॉशरूम है ऊपर के लिए, बिल्कुल क्वालिटी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। अब हम कोशिश करते हैं कि ऊपर से आपको इसका टॉप फ्लोर दिखा दें। इधर यह स्टोर रूम है, स्टोर रूम दिया गया है। अब इसके अलावा सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं, ऊपर से टॉप फ्लोर के वर्किंग क्वालिटी आपको दिखा देते हैं। ये टॉप फ्लोर के ऊपर फर्श लगा हुआ है सारा, और कॉर्नर में वाटर प्रूफिंग अच्छी की गई है कि कहीं से किसी किस्म की कोई नमी नीचे ना जाए। तो ये था अच्छी क्वालिटी के मकान का रिव्यू। 5 मरले का मकान है, 2 बेडरूम नीचे हैं, 1 बेडरूम ऊपर है, टीवी लाउंज दिया गया, वॉशरूम टोटल अटैच है, किचन ऊपर भी है नीचे भी है। तो आप मेरा नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हो ये मकान ख़रीदने के लिए। तो उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।